चलिए अब सीनरी तस्वीर दिखाने का आपको वक्त आ गया है श्वेता झा, हमारी सहयोगी वहां पर पहुंची हुई है। श्वेता, केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, श्रद्धालुओं का सैलाब वहां पर उमड़ रहा होगा, दिखाएं वहां पर क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल गुंजन, सबसे पहले तो जय श्री केदार। आज केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो खुल गए हैं। 6:20 पर विधि विधान से केदारनाथ बाबा के कपाट जो है वो खोल दिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुप्त काशी में, जो कि लगभग सी लेवल से कहा जाए 4,500 फीट की ऊंचाई पर है, और बाबा केदारनाथ का जो धाम है वो 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। इंतजार है, थोड़ा सा मौसम यहाँ पर ढक गया था, बादलों की लुक्का छिपी यहाँ पर होती रहती है, इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर चॉपर के उड़ने का। और आपको बता दें कि लगातार देखिए जो लोग भी इस वक्त आ रहे हैं, कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा रखा है, लेकिन जो लोग अभी भी जानना चाहते हैं यहाँ तक पहुंचने के मार्ग को, तो दो मार्ग है। एक मार्ग है जो कि गौरीकुंड तक, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, ये तमाम वो इलाके हैं जहां से लोग गौरीकुंड पहुंचते हैं गाड़ी से, और वहां से चढ़ाई शुरू होती है केदारनाथ धाम की, जो कि वहां से 16 से 17 किलोमीटर दूर है, वहां से लोग चढ़ाई करके जा सकते हैं। और जो दूसरा रास्ता है, जो चौपर से आना चाहते हैं, वो सीधे गुप्त काशी तक यहां आ सकते हैं। इसके पास, इसके बाद आपको हम बता दें कि फाटा एक जगह है, वहां से भी वो चॉपर ले सकते हैं, और उसके आगे लगभग 3 ऐसी जगह हैं जहां से लोग चॉपर ले सकते हैं। और सीधे लगभग यहां की अगर मैं आपको बात करूं गुंजन, बता दूं तो ये चॉपर यहां से लगभग लेता है 15 मिनट, जो आपको बाबा केदार के दर्शन कराने के लिए ले जाता है। और यहां पर आपको अगर कैमरामैन को कहूं, जरा तस्वीरें दिखाइए, यात्री जो है वो इंतजार कर रहे हैं नीचे अपने अपनी बारी का। 1 घंटे में लगभग 3 बार ये चॉपर जो है वो ऊपर जाता है और यात्रियों को, श्रद्धालुओं को बाबा केदारनाथ के दर्शन कराकर वापस लौटता है। लगभग शाम के 6 बजे तक अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मौसम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो एक बड़ा चैलेंज होता है इस इलाके में। आपने देखा होगा और हमने गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को दिखाया भी होगा कि यहां पर बर्फबारी भी काफी हुई है, इसकी वजह से, बारिश भी होने की वजह से थोड़ा सा मौसम एक कॉन्स्ट्रेंट है, इसीलिए इंतजार, खुद मुख्यमंत्री धामी भी यहां पर अभी इंतजार ही कर रहे हैं, क्योंकि जब वो पहुंचे थे, उनके पहुंचने के बाद ही केदारनाथ में कपाट खुलने वाले थे विधि विधान से, लेकिन वो जैसे ही पहुंचे तो मौसम थोड़ा सा ढक गया था, जिसकी वजह से उन्हें भी इंतजार करना पड़ा और हमें भी यहां पर इंतजार करना पड़ा है। लेकिन बहुत जल्द हम भी वहां पहुंचेंगे, बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे और गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को वो भव्य दर्शन कराएंगे। हालांकि सुबह से ही हमारे जो दूसरे संवाददाता है वो वहां से भव्य दर्शन करा रहे हैं, तो ये अद्भुत है, अनुपम है, और यहां कि जो फीलिंग एक तरह से हम कहे, जो यहां पर आकर आपको महसूस होता है, वो सिर्फ पहुंचने के बाद ही आप महसूस कर सकते हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है गुंजन। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, इसीलिए आप सोचिए जब आज कपाट खुलेंगे, उससे पहले 5 लाख लोगों ने सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, 6 महीने का इंतजार बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, और उसके बाद जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो वो उत्साह बिल्कुल अनुकरणीय, अनुपम होता है।